जो एक प्रकार से जो लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है या जो अन्य अपराध है, समझे। वो नारी का सम्मान के लिए भी बहुत करते थे, नारी सशक्तिकरण की बात करते थे। आज जो सर ने अभी कहा था कि भाई MiG-21 या फिर सुखोई जैसे, मतलब हमारी जो भी शक्तिशाली विमान है वो हमारी महिलाएं उड़ा रही हैं, या फिर सेना में जो, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की हो, चाहे वो औद्योगिकरण से या नगरीकरण से उपजे पर्यावरण प्रदूषण की हो, समझे, या फिर असमानता की बात हो, वो सब गांधी जी के आदर्शों के आधार पर, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को अनुपालन करके ही वो समस्याएं समाप्त हो सकती है। चाहे हम ग्राम पंचायत गठन की बात करें, चाहे हम जो है कुटीर उद्योगों की बात करें या ट्रस्टीशिप की बात करें, ये सब गांधी जी की ही देन है। गांधी जी ने जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो नए सूत्र पिरोए, उन सूत्रों के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान मिली है। और गांधी जी के कुछ ऐसे जो सिद्धांत थे, उनके जो ऐसे कथन थे, अगर उनका पालन किया जाए, वो एक बात कहते थे कि अगर आंख के बदले, अगर हम आंख की बात करेंगे, जैसे आज अपराधिक गतिविधियां इतनी हो रही हैं, या फिर एक किसी ने किसी को मार दिया और दूसरा उससे ज्यादा मारता है, जैसे गांव में समस्या देखते हैं हम, हमारे समक्ष आती है, आप लोगों के समक्ष आती है, कि अगर एक ने थोड़ी सी पिटाई लगाई तो दूसरा उस पर और धावा बोल देता है। तो वो कहते थे कि अगर एक आंख के बदले दूसरी आंख को अगर फोड़ा जाए तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो उनका ये कथन आज के परिप्रेक्ष्य में इतना सत्य साबित होता है कि अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें, अगर दूसरे ने कुछ के अवसर पर, सुरक्षा पर, उसके उपलक्ष्य में हम सभी ये एक शपथ में एक इनके सिद्धांतों का अनुसरण करें कि हम इनके आदर्शों पर, दोनों महापुरुषों के आदर्श, हम सबसे नीचे पीढ़ी पर जो आदमी जी रहा है उसके आंसू पूछने का काम करें। सब कुछ पूरा सिद्धांत ये था कि जो मुख्य धारा से बिल्कुल दूर, जो कुछ नहीं पा रहा है, हमें उसके आंसू पूछने के लिए आगे आना चाहिए, और उसको करने के लिए हमसे बढ़िया कोई नहीं है सर, हमसे ज्यादा इसको किसी के पास नहीं। हमारे पास सारे विभाग के सारी तरह की समस्याएं, जो पुलिस विभाग के हैं, जो पुलिस विभाग से जीता है, हम एक बार कह सकते हैं कि हमारे पास क्यों चले आए, फला विभाग का काम है। आज का देख लीजिए, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 20 साल से एक दिन भी वो आदमी छुट्टी ले लिया, अनवरत काम कर रहा है। तो आप काम से घबराइए मत,